हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बच्चों, प्रीवियसली हम लोगों ने टॉर्शन खत्म किया है, उसके वर्कबुक क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे हैं और कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस करी है आप लोगों के साथ थ्रू क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है गेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस जैसे हम लोग मशीन डिजाइन वगैरह पार्ट में इंटर करते हैं तो जो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट्स वाला जो पार्ट होता है वो इसी कंसेप्ट से पूरी तरह से बनता है। तो आई होप आप लोग इसको पूरी तरह से देखोगे। और मेरा ये आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, अब आपके ऊपर आप इसको फॉलो करते हो या नहीं करते हो। जब आप लेक्चर स्टार्ट करते हो तो लेक्चर को एंड तक देखा करो। कई लोगों की आदत क्या होती है कि डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में देखेंगे ऐसा सोच करके उन लोग कर लेते हैं प्लान। तो बट ऐसा करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग अपना डेली शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो ठीक है। अगर हम लोगों से आपका फेस डिफरेंस चल रहा है, दैट इज़ हम लोग अगर अभी मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन, और अभी तक सीयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम ही खत्म नहीं किया है, तो फिर तो बहुत पीछे चल रहे हो। तो ये जो फेस डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। तो एज सुन एज पॉसिबल जो हम लोगों की फ्रीक्वेंसी है उसको मैच कर लो आप लोग, ठीक है। जिस चैप्टर पे हम लोग हैं किसी भी सब्जेक्ट में उसी चैप्टर पे आप पहुंचो। एनी हाउ एक दो दिन अगर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़े, ज़्यादा टाइम देना पड़े तो कोई बात नहीं है। आप लोग को बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, आपके ड्रीम्स का सवाल है। तो आप लोग को बस ये करना है कि जल्द से जल्द जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा करके, जो आप अगर एक दो लेक्चर पीछे चल रहे हो तो उसको कवर कर लो जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग एकदम मीन टाइम में जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उसी स्पीड से आप चल पाओ। तो ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपके गेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट में ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। अरे बात समझ। तो चलिए आगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन, उसको देखते हैं, ठीक है। सो कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन में हम लोगों को क्या करना होता है, सिंपल, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज जैसे आपके पास कोई शाफ्ट है, आपके पास शाफ्ट है इस तरह से, दिस इज द सपोर्ट, ओके। और यहाँ पर इस तरह से मैं एक शाफ्ट ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस। लेट अस से वी हैव अ शाफ्ट लाइक दिस, ऐसा मैं एक शाफ्ट लेता हूँ, ठीक है। कोई बीम भी हो सकती है, इसमें ऐसा कुछ दो राय नहीं है, कुछ भी दूसरी बॉडी ली जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना, इसमें मैं तीन एक्सेस इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दिस, ओके। दिस इज एक्स एक्सिस, लेट अस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज दिस जेड एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसमें जेड एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द फ्री एंड एंड दिस इज द फिक्स एंड इस तरह से, दिस इज द फिक्स एंड इस तरह से, ठीक है। नाउ अब सोचिए कि आपके पास जो है यहाँ पर कोई लोड लग रहा होगा, कुछ भी ऐसा लोड लग रहा है इन स्पेस, सो दैट आपके इस बॉडी में, इस शाफ्ट में जो तीन एक्सिस दिख रहे हैं आपको, एक्स वाई जेड, तीनों के अबाउट इसमें क्या आ जाए, मोमेंट्स आ जाए, ठीक है। तीनों के अबाउट इसमें मोमेंट्स आ जाए। तो जैसे कि मैंने इस पर मोमेंट्स लगा दिए लाइक दिस, इस तरह से मैंने इस पर मोमेंट्स लगाया, अगर दिस इज एम एक्स, ओके, दिस इज लेट अस से एम वाई, कॉन्सेंट्रेट मोमेंट्स के फॉर्म में मैं दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। एंड दिस इज एम जेड। तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने जो भी मोमेंट होगा उसको मैंने एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट के फॉर्म में दिखाया, ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट के फॉर्म में दिखाया। तो एक्स वाई जेड के अक्रॉस आप लोगों को मोमेंट्स मिले थे। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे कि अगर आपके पास कोई बॉडी है ऐसा, उसमें कोई लोड लग रहा हो, तो ऐसा भी ले सकते हो कि उसके बेस के अबाउट उसमें जो मोमेंट्स हैं उसके आप कंसिडर कर सकते हो लाइक दिस। तो एक्स डायरेक्शन में, इसके बेस के एक्स डायरेक्शन में ये आपके पास आ जाएगा ऐसा एम एक्स अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, ओके, एम वाई अबाउट द वाई डायरेक्शन एंड एम जेड अबाउट द जेड डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के पास सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, इस तरह से सिचुएशन आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो जो भी बेसिकली लोड है तो क्या कर सकता है, वो तीन एक्सिस के अबाउट जो है वो मोमेंट्स क्रिएट कर सकता है। इसका बेसिक इतने, ये जो मैंने दो एग्जांपल दिए, ये फर्स्ट सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला, दोनों का सिर्फ एक ही है कि जो भी आपके पास लोड है वो आपके तीन एक्सिस के अबाउट मोमेंट्स दे सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अभी जो एक्स वाई जेड एक्सिस है बेटा, इसमें से जो एक्स एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, सॉरी, दिस एक्स एक्सिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्लियर बात है। तो ये एक्स एक्सिस जो है आपके पास, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। नाउ अब आप देख पाओगे कि ये जो मोमेंट है एम एक्स विच इज अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज ट्राइंग टू ट्विस्ट द बॉडी अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इस तरह से इसमें एटन क्रिएट करेगा। सो जो भी मोमेंट होता है,
जो बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बाहर ऐड कर रहा था, दैट इज द ट्विस्टिंग मोमेंट. सो बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो जो ट्विस्टिंग मोमेंट है, इट इज दैट मोमेंट विच इज एक्टिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी के अक्रॉस ये लग रहा होता है, दैट इज योर ट्विस्टिंग मोमेंट. और जो बेंडिंग मोमेंट होता है, जैसे कि आप देखोगे इसका ये क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से, ओके इसका क्रॉस सेक्शन अगर आप देखते हो, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, सो इसके क्रॉस सेक्शन में आप ऑब्जर्व कर पाओगे, ये और ये इसका क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है इस तरह से. This is the y direction and this is the z direction. So you can see कि ये जो y और z direction है, they are the lateral dimensions. They are the lateral dimensions और कैसे the lateral directions of the body. तो जो lateral directions है, तो जब भी lateral directions के about हम लोग load लगा रहे होते हैं, moments लगा रहे होते हैं, तो they create bending. जैसे कि ये देखो, जैसे कि ये pen है मेरे हाथ में, जो pen का ये longitudinal axis है, तो इस axis के बाद जब मैं इसमें moment लगाऊंगा like this, इसके अबाउट इस तरह से इसको घुमाऊंगा, सो दिस इसमें ट्विस्ट, ये रोटेट होने लग जाएगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस. तो इसमें अगर मैं इसको होल्ड कर दूं, सो ये जो ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, दिस विल क्रिएट टॉर्शन. ठीक है, तो जब उसके ओन एक्सिस के अबाउट मोमेंट लग रहा होता है, तो दिस मोमेंट विल क्रिएट द ट्विस्टिंग. सो दैट्स वाई दिस मोमेंट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज नोन एज द ट्विस्टिंग मोमेंट. वेयर एज ये वाला एक्सिस जो है और ये वाला जो एक्सिस है, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज द लेटरल एक्सिस ऑफ द बॉडी, राइट, दिस इज द लेटरल एक्सिस ऑफ द बॉडी. तो इस एक्सिस के अबाउट ये लो, इस तरह से इस एक्सिस कोड मैं इसको रोटेट करूँ अगर, सो दिस इज नॉट ट्विस्टिंग, ओके दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. And this, अगर मैं बोलूँ z एक्सिस, तो ये z एक्सिस को और इस तरह से रोटेट कर रहा है, दिस इज z एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके y z, तो z के अबाउट देखो रोटेट कर रहा है इसमें, और यहाँ पर y के अबाउट रोटेट कर रहा है. नाउ इफ आई होल्ड दिस, अगर मैं इसको फिक्स कर दिया हूँ, जैसे कि यहाँ फिक्स किया हूँ, नाउ अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, तो मोशन तो अब पॉसिबल नहीं है, तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा, सो ये डिफॉर्म कर जाएगा, तो यानी कि बैंड हो जाएगा अबाउट विच एक्सिस, y एक्सिस. सो ड्यू टू दिस मोमेंट अबाउट y एक्सिस, एज द बॉडी इज फिक्स, सो दिस मोमेंट एम वाई is not able to move the body, so it will end up in deformation. तो उसको body को deform कर देगी, bend कर देगी, किसके about? Y axis के about. Same ये जो z के about जो moment लग रहा है, ये देखो z आपके तरफ आ रहा है, ये z के about जो moment लग रहा है, now body is not free to move, support है proper, so it will deform. Motion is not possible, then force, what the force will do? The force will deform the body. तो ये जो force लग रहा है, this will create ये जो मोमेंट जो क्रिएट कर रहा है ये एम जेड, दिस एम जेड विल बेंड द बॉडी अबाउट दिस जेड एक्सिस, जो कि हम लोगों ने बेंडिंग में पढ़ा है ऑलरेडी. तो तीन जो मोमेंट्स हैं, एम एक्स, एम वाई, एम जेड, तो तीन तरह से ये जो इफेक्ट दे रहे हैं. फर्स्ट एम एक्स क्या दिया? ट्विस्टिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. तो कभी भी ट्विस्टिंग इज ऑलवेज अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, नो डाउट. ठीक है, सो जो पहला मोमेंट है एम एक्स, दैट इज ट्विस्टिंग मोमेंट, एम वाई एंड एम जेड आर द बेंडिंग मोमेंट. नाउ मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि एम एक्स, एम वाई, एम जेड जो है फिजिकली दे आर थ्री मोमेंट्स अबाउट द थ्री डायरेक्शंस एक्स, वाई एंड जेड. सो आई कैन टेक अ सिंगल वैल्यू ऑफ दैट, एक सिंगल वैल्यू ले सकता हूं मैं इस तरह से एम, जस्ट लाइक अ रिजल्टेंट यू कैन से, एंड इसको लिख सकता हूं फिर मैं इस तरह से वेक्टर के फॉर्म में, एम एक्स आई कैप, एम वाई जे कैप एंड एम जेड के कैप, इस तरह से. तो जो जो आप लोगों का एक सिंगल जो मोमेंट है, जो x के अबाउट एम एक्स, वाई के अबाउट एम वाई और z के अबाउट एम जेड मोमेंट दे रहा है, तो उसको उस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से. सो वेक्टर m, दैट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट, मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपर, वट एवर इज दिस, दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये जो 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 आपके पास मोमेंट वेक्टर है, ये इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. नाउ मैंने इसमें डिस्कस क्या किया आपके साथ इतने देर में, मैंने डिस्कस किया बेटा आपके साथ कि जो एम एक्स है यहाँ पर, दिस इज द मोमेंट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज मोमेंट ओके अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल, अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, मोमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एंड दिस इज नोन एज द ट्विस्टिंग मोमेंट. इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट, दिस इज ट्विस्टिंग मोमेंट, या टॉर्क नाम से जानते हो, दिस इज ट्विस्टिंग मोमेंट, या इसी को आप टॉर्क बोलोगे. ठीक है, दिस इज ट्विस्टिंग मोमेंट. और ये वाले जो दो हैं, दीज आर द मोमेंट्स अबाउट द लेटरल एक्सिस, दीज आर द मोमेंट्स, ओके मोमेंट्स, मोमेंट, ओके दीज आर द मोमेंट अबाउट द लेटरल एक्सिस और लेटरल डायरेक्शन यू कैन से, ओके सो दिस इज मोमेंट about lateral direction. ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग bending moment. This will be known as
बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो दो मोमेंट हो गए, बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट जो है किसके अबाउट लगता है, हमेशा याद रखना, जो लेटरल डायरेक्शन है उसके अबाउट लगता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है उसके अबाउट जो मोमेंट लगता है उसको हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। सो अब मान लीजिए कि आपके बॉडी में दोनों हो रहे हैं, तो दोनों हो रहे हैं तो क्या ऐसा होगा सर कि y एक्सिस और z एक्सिस दोनों के अबाउट हो रहा होगा? यस, इट इज पॉसिबल, बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। दैट इज वाई हम लोग जो b लेवल पर डिस्कस करते हैं, जो गेट लेवल पर डिस्कस करते हैं, वो थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसमें आपके पास एक एक्सिस के अबाउट ट्विस्टिंग और किसी एक एक्सिस को, मोस्टली z एक्सिस, इस तरह से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है ना, जो भी होगा, जो जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जनरली आप लोगों को जो एक्सिस मिल रहा है उसके अबाउट आपको बेंडिंग देखने को मिलेगी। तो एक ट्विस्टिंग मोमेंट और एक बेंडिंग मोमेंट मिला करके कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन का प्रॉब्लम दिया जाता है गेट एग्जामिनेशन में। क्लियर बात हो गई क्या सभी को? सो ये ध्यान रखना आप लोग कि कभी भी आपको दो के अबाउट नहीं दिया जाएगा। दो के अबाउट जब होता है बेंडिंग एक्चुअली, तो उसको अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में पढ़ते हैं हम लोग, बट वो मैं इस कोर्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो फुल कोर्स में जनरल में डील करता हूँ। ठीक है, और वो उतना गेट में भी आया नहीं, एक आध क्वेश्चन उससे आए हुए हैं, सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट यस इट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक। ठीक है, नाउ सो कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन जब हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा कुछ देखो लाइक दिस। तो ये मैंने एक शाफ्ट लिया इस तरह से, ओके ये शाफ्ट लिया मैंने। नाउ दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, दिस इज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ शाफ्ट, एंड दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, लेट अस से दिस इज सी, ओके लेट अस से दिस इज सी, ये आपके पास सेंट्रॉइड है। नाउ यहाँ पर आप इस तरह से एक लोड अप्लाई कर दिए, इस तरह से एक लोड अप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ पर एक लोड अप्लाई कर दिया आप लोग, ठीक है, इस तरह से एक लोड अप्लाई कर दिए पी, इस तरह से एक लोड अप्लाई कर दिया पी। शाफ्ट का जो रेडियस है दैट इज आर। अब आप लोग बहुत आराम से सोचना, वीडियो को पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए और थोड़ा आराम से सोचना कि ये लोड क्या कर सकता है, ये लोड क्या कर सकता है। तो पहली बात, ये जो लोड है ये क्रॉस सेक्शन ऑफ के जो सेंट्रॉइड है, कंसेशन का जो सेंट्रॉइड है उससे एक सर्टन डिस्टेंस पे लग रहा है, एग्जैक्टली सेंट्रॉइड पे नहीं लग रहा है ना, एग्जैक्टली सेंट्रॉइड पे नहीं लग रहा है। सो दिस विल क्रिएट द मोमेंट अबाउट द सेंट्रॉइड, आ रही बात समझ में? दिस विल क्रिएट द मोमेंट अबाउट सेंट्रॉइड। नाउ आपने पकड़ के इसको इधर से रखा है, इस तरफ से फिक्स है, ये वाला एंड फ्री आपने फ्री एंड को लगाया, और ये जो फिक्स एंड है इसका जो फिक्स एंड है, ठीक है, फिक्स एंड से ये सर्टेन डिस्टेंस पे लग रहा है, ओके दिस डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो ये दो चीजें कर रहा है, एक तो देखो क्योंकि ये जो आपका शाफ्ट है इसके सेंट्रॉइड पे ना लग के किसी दूसरी जगह पर लग रहा है, ठीक है, सेंट्रॉइड पे नहीं लग रहा है तो किसी दूसरी जगह पे लग रहा है, सेंट्रॉइड से रेडियल डिस्टेंस पे लग रहा है, देखो क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड पे, फ्री एंड पे। सो दिस विल क्रिएट अ ट्विस्टिंग मोमेंट टी, देखो ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये वाला, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज दैट इज सेंट्रोइडल एक्सिस बेसिकली। तो ये देखो ये जो इसका लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रोइडल एक्सिस है, ठीक है, ये वाला, तो इससे इसके अबाउट देखो ये जो लोड है, इस तरह से आप देख सकते हो क्रॉस सेक्शन को इस तरह से आप देख सकते हो, है ना, इस तरह से देख सकते हो, यहाँ पर आपने लोड लगा रखा है इसको, इस तरह से आपने लोड लगा रखा है, यहाँ पर ये लोड लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर, और ये जो है इसका सेंट्रॉइड है, और ये रही डिस्टेंस, तो देखो ये फोर्स और ये है आपके पास डिस्टेंस, इसेंट्रिसिटी इसकी इक्वल टू आर। तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में इस तरह से ट्विस्टिंग क्रिएट करेगा, टी फॉर ट्विस्टिंग, वैल्यू कितनी जाएगी, पी इंटू आर, ट्विस्टिंग इतना ही क्रिएट कर दिया, आई बात समझ में क्या, इतना ट्विस्टिंग क्रिएट कर दिया। नाउ फ्रॉम दिस एंड ये जो लोड है दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम द बेस, ठीक है,
फ्रॉम द बेस. तो ये बेस के अबाउट, इसके बेस के अबाउट ये इस डायरेक्शन में इस तरह से एक ट्विस्ट, एक बेंडिंग मोमेंट क्रिएट कर देगा. एम इक्वल टू पी इन टू एल. आई क्या बात समझ में? तो देखो अब एक बेंडिंग मोमेंट मिल गई आप लोगों को. देखो एक बेंडिंग मोमेंट मिल गई, ये वर्टिकल, देखो ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो जितना वर्टिकल लोड लग रहा होगा इसका, जब आप 2D में डायग्राम बनाओगे इसका, अगर आप 2D में डायग्राम बनाते हो इस तरह से, तो लोड तो ऐसा कहीं ऐसा कुछ दिखेगा. ध्यान से देखना, इस तरह का दिखेगा. मैंने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का कलर यूज़ किया है ताकि आप आर पार देख पाओ बीम के, है ना. ये देखो यहाँ पर आपका लोड लग रहा है एग्जैक्टली यहाँ कहीं पर, ठीक है. ठीक है, आप यहाँ से देखो. आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आता है कि नहीं आता? भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स थोड़ा सा आना चाहिए आप लोग को ताकि आप इमेजिन कर पाओ, है ना, कि कहाँ पर लग रहा है लोड. तो लोड यहाँ पर लग रहा है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस. तो देखो ध्यान देना, ये जो लॉन्गिट्यूड, जैसे आपका ये जो वाइट बोर्ड है, ये जो वाइट बोर्ड है, तो इसका ये वाला जो एक्स एक्सिस, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. जो ये वर्टिकल दिख रहा है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल. जो वर्टिकल लग रहा है, जिसके अलॉन्ग ये लोड लग रहा है, ठीक है, दैट इज द वर्टिकल डायरेक्शन. और जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ओके, वो डायरेक्शन कौन सा है? देखो वर्ड डायरेक्शन कौन सा है, दिस इज लेट अस से एक्स डायरेक्शन, मैं बोला दिस इज वाई डायरेक्शन, ओके, एंड दिस इज जेड डायरेक्शन. तो बोर्ड के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है? जेड डायरेक्शन है. तो ये हो गया आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दैट इज एक्स डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ऐसा बोल दो एक्स डायरेक्शन. ठीक है, अभी के लिए, अभी जो हमने सिस्टम कंसिडर किया एक्स डायरेक्शन. ये वाला लोड कौन सा डायरेक्शन लग रहा है? वाई डायरेक्शन, वर्टिकल ही लग रहा है. ठीक है, अब ये जो डायग्राम है कौन से प्लेन में है बेटा? ये जो डायग्राम है ये एक्स वाई प्लेन में हो गया. तो मैंने बताया था कि जो मोमेंट ऑफ द लोड्स आएंगे वो किस एक्सिस के बढ़ाएंगे? जेड एक्सिस के बढ़ाएंगे. तो ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस के बाउंड ये मोमेंट क्रिएट कर देगा इस तरह से. ठीक है, एम इज इक्वल टू पी इन टू ई, एम इज इक्वल टू पी इन टू ई का मोमेंट क्रिएट कर देगा. ठीक है, तो इसमें एक तो बेंडिंग मोमेंट आ गया और एक क्या आ गया? ट्विस्टिंग मोमेंट आ गया. अब हमको इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो बार है आपके पास वो बेंड भी हो रहा है और साथ साथ में ट्विस्ट भी हो रहा है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि सबसे ये बार फेल कब होगा. हम लोग को जानना है कि फेल कब होगा, तो क्योंकि हमको जानना है कि जब इस पर कंबाइंड लोडिंग लग रही है तो फेल कब हो रहा है, तो हम लोग को ये देखना जरूरी कि सबसे अधिक स्ट्रेसेस जो है वो कहां पर पैदा होंगे, यानी कि द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट जो है वो कहां पर होगा. ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो आपके यहां पर इस फ्री एंड पे टॉर्क कितना आ गया है? यहां पर टॉर्क आ गया आपके पास T इज इक्वल टू पी इन टू ई, और यू कैन से पी इन टू आर, ई की वैल्यू आर के बराबर मैंने लिख रखी है. ठीक है, ये हो गया, इतना आ रखा है यहां पर. तो टी इज इक्वल टू पी इन टू ई या पी इन टू आर, इस तरह से आ रखा है. तो ट्विस्टिंग तो यहां से यहां तक आपकी सेम है. यहां पर जैसे आप कभी भी एक्स सेक्शन काटते हो, किसी भी एक्स सेक्शन पे बात करो, कोई भी सेक्शन काटो आप एक्स लोकेशन पे, इस तरह से एक्स लोकेशन पे आपने एक सेक्शन काटा, तो आप देखोगे यहाँ पर इस तरह से टॉर्क आपने अप्लाई करके रखा है टी, और यहाँ पर लोड रखा है आपने उन्हें पी. ठीक है, तो यहाँ से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो एक पी लोड आएगा यहाँ पर, विच इज इक्वल टू द शेयर फोर्स. एंड साथ ही साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो क्लॉक वाइज आपके पास टॉर्क लग रहा है इधर, तो इस तरफ रिएक्शन टॉर्क आएगा टी आर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में. प्लस यहां से आपने सेक्शन बेटा लिया है एक्स डिस्टेंस पे, ध्यान देना एक्स डिस्टेंस पे लिया है आप लोगों ने, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसके अपोजिट बेंडिंग मोमेंट आएगा, इसके मोमेंट इसके अपोजिट बेंडिंग मोमेंट आएगा. क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. ठीक है, ये जो सेक्शन है यहां पर, ओके, ये जो सेक्शन हमने यहां पर लिया है, इस सेक्शन से एक्स डिस्टेंस पे लोड लग रहा है पी, तो यहां पर मोमेंट कितना आ रहा होगा? पी इंटू एक्स का, देखो क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है इस सेक्शन पे. तो ये बॉडी क्या करेगी? टू मेंटेन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अपोजिट डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट लगाएगी, रिएक्शन बेंडिंग मोमेंट या फिर रिएक्शन मोमेंट लगाएगी. तो यहां पर जो एम आएगा, ओके, यहां पर जो एम आएगा, दैट विल बी इक्वल टू, दैट एम विल बी इक्वल टू, एम आर विल बी इक्वल टू पी इंटू एक्स. इस तरह से यहाँ पर टी आर आ गया, टी आर विल बी इक्वल टू टी, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है. दिस इज टी आर. ठीक है, एंड दिस इज एम आर, लाइक दिस. थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, थोड़ा बड़ा बना देते हैं. कैसा? इसी को थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ मैं. ठीक है, ये आपके पास सेगमेंट हुआ. ठीक, इसमें आया लोड,
ओके, इसमें आया लोड इस तरह से, पी लोड आया, आपने एक्स डिस्टेंस की बात करी, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, एक आ गया आपके पास शेयर फोर्स, एक आपके पास आ गया शेयर फोर्स ऊपर की तरफ वी, है ना। इस तरह से ये जो लोड लग रहा है, ये जो लोड है वो इसके रिस्पेक्ट में इसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओके, तो ये आ गया वी इज इक्वल टू पी, क्लियर बात है। उसके बाद यहाँ ट्विस्टिंग लग रही है ना, टी इज इक्वल टू पी इंटू आर, तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया मैं इस तरह से, टी आर इज इक्वल टू पी इंटू आर, और इस तरह से मोमेंट आएगा तो उसके अपोजिट यहाँ पर एम आर, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा है डायग्राम। तो ये इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं। अब ये देखो क्या क्या इसमें इफेक्ट हो रहा है। एक ये जो एम आर है, दिस विल क्रिएट द बेंडिंग मोमेंट, सॉरी द बेंडिंग स्ट्रेसेस, और ये क्या क्रिएट करेगा, ये जो टी आर है दिस विल क्रिएट टॉर्शनल स्ट्रेसेस, और ये जो वी है दिस इज द वर्टिकल शेयर फोर्स, दिस विल क्रिएट ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेस। तो तीन चीजें आ गई आपके पास, एक तो आ गया आपके पास टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, दूसरा आ गया आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस, और तीसरा आ गया आपके पास ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेस। तो आपके पास तीन स्ट्रेसेस जो है वो आ गए, ठीक है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। अब इसको देखने के लिए कि कौन सी चीज कहां पर होगी, कितनी ज्यादा होगी, इसके लिए थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना आना चाहिए थ्रू द टूल्स विच वी हैव लर्नड बिफोर दिस चैप्टर, दैट इज शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, टॉर्शन का जो सेक्शनल मोमेंट सेक्शंस पे एनालिसिस है, ये सब आपको आना चाहिए। तो जैसे मैं बोलूं कि ये जो डायग्राम है ना, ये जो आपका डायग्राम दे रखा है ये वाला, क्या आप इसका SFD BMD बना सकते हैं, तो आंसर यस में सुनना है मुझे। तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये जो L डिस्टेंस पे लग रहा है, दिस इज एट अ डिस्टेंस L, तो इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आई थिंक आपसे बनना चाहिए, है ना, हम लोगों ने बना रखा है। तो जस्ट मैं SFD इसका ड्रॉ करता हूँ, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, तो इस तरह से इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना देता हूँ लाइक दिस, ये ऐसा इसका SFD बन गया, ये इसका SFD बन गया, दिस विल बी द SFD, ओके, दिस विल बी दी शेयर फोर्स डायग्राम, ये बन गया आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम। उसका BMD बनाओगे तो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस, लीनियर बनेगा नीचे की तरफ, जो कि हॉगिंग बताएगा, ये आ जाएगा आपके पास पी इंटू एल, और ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू पी, ठीक है। एक और डायग्राम बनता है, दिस इज नोन एज टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, है ना। लॉजिक इसका सेम वैसा ही है जैसा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बनता है, बस वहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट की जगह हम लोग बेंडिंग मोमेंट पढ़े हुए होते हैं, यहाँ ट्विस्टिंग मोमेंट देखेंगे, है ना। और जो बिहेवियर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट्स का देखते हैं, वही बिहेवियर यहाँ पर आप लोगों के पास ये कॉन्सेंट्रेटेड ट्विस्टिंग मोमेंट्स भी देने वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड ट्विस्टिंग मोमेंट्स हैं यहाँ पर, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर वापाला, यहाँ पर भी देखना होगा, क्लॉक वाइज ट्विस्टिंग मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉक वाइज को निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर जो ट्विस्टिंग मोमेंट आ रही है दैट इज टी इज इक्वल टू पी इंटू आर एंड दैट इज क्लॉक वाइज, ठीक है। तो आप देखोगे अगर आप ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहो अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस तरह से, तो इस लोकेशन पे जस्ट बिफोर काटेंगे एक बार, तो जस्ट बिफोर जीरो, जस्ट आफ्टर क्लॉक वाइज पी इंटू आर है, तो क्लॉक वाइज पी इंटू आर, ये हो गया आपके पास पी इंटू आर, जस्ट आफ्टर देखोगे कोई और एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं, तो टॉर्क विल रिमेन कॉन्स्टेंट। फिर ये आ गया आपके पास फिक्स सपोर्ट पे क्या मिल रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन, तो एक बार इसके पहले सेक्शन काटेंगे बेटा, इसके पहले तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया तो कॉन्स्टेंट है, जैसे जस्ट आफ्टर का ये एंटी क्लॉक का स्पी इनटू आर जो है ये भी कंसिडर हो जाएगा और आपका फाइनली जो मोमेंट है ट्विस्टिंग मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा। सो दिस इज टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम विच इज वेरी इजी टू ड्रॉ, इफ यू नो द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड द कंसेप्ट देन इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ, ठीक है। तो इस तरह से अब आप देखो सबसे ज्यादा शियर फोर्स देखो यहां पर भी है अभी के केस में, ट्विस्टिंग मोमेंट यहां पर भी है, लेकिन बस एक चीज देख लो, बेंडिंग मोमेंट यहां जीरो है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। तो शियर के केस में तो ड्रॉ हो गया भाई मैच, बेंडिंग के केस में ये जीत गया ये हार गया, ट्विस्टिंग के केस में भी ड्रॉ हो गया मैच। तो ओवरऑल स्कोर किस साइड का ज्यादा है, इस साइड का स्कोर ज्यादा है, यानी कि ये वाला जो सेगमेंट है ना इसमें सबसे ज्यादा आपको क्लेश मिलने वाला है, सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन में आप लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस देखने को मिलेंगे,
ठीक है, यही वाले सेक्शन पे। अब यहां पर जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पर आएगा, किस पॉइंट पे आएगा, उसकी बात भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा टॉर्शन शियर स्ट्रेस है, या कह लो कि ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस है, या कह लो कि बेंडिंग शियर स्ट्रेस है, तीनों की अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज रखते हो तो आपको पता होगा कि तीनों जो होते हैं वो डेप्थ के अलोंग वेरी करते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि मैं ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस ड्रॉ करूं, मैंने शियर स्ट्रेस ड्रॉ करना चालू किया है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, ठीक है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस ड्रॉ करूं अगर मैं, तो इसका ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस कैसा दिखता है? इसका ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस इस तरीके का दिखता है भाई, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का आप लोगों को इसका डायग्राम दिखता है। टॉप पे और बॉटम पे जीरो, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम, 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, ये आप लोगों को देखने को मिलता है ना, ये आप लोगों को देखने को मिलता है इस तरीके का, इस तरीके का डायग्राम आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड दिस इज टाउ मैक्स, दिस इज टाउ मैक्स, यहाँ पर आप लोगों को टाउ मैक्स देखने को मिलता है इस तरह से। तो टॉप पे और बॉटम पे ये जीरो हो जाता है। सेम ऐसी अगर आप लोग बेंडिंग स्ट्रेस की बात करोगे, है ना, बेंडिंग स्ट्रेस की बात करोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है, ठीक है, अगेन जो बेंडिंग स्ट्रेस है आप लोगों का, जो बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है, जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा आप लोगों के पास, दैट बेंडिंग स्ट्रेस विल बी वेरिंग अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, इस तरह से जो न्यूट्रल एक्सिस है इसके अबाउट वेरी कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि अभी के केस जो दिख रहा है, अभी के केस में तो हॉगिंग हो रही है, नेगेटिव है पूरा, तो ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन हो जाएगा, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो इसका जो डायग्राम है, ठीक है, इसका जो डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस, ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन इस तरह से, या चाहो तो जो मैंने एक और दूसरा जो तरीका बता रखा है ये वाला, ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा और ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, है ना, कंप्रेशन टेंशन इस तरह से, ओके। सेम वैसे ही जो टॉर्शनल स्ट्रेसेस हैं, जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस हैं, ओके, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जो आपके पास आता है, ठीक है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जो आपके पास आता है शाफ्ट में, दैट टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, ओके, वेरीज लीनियरली, है ना, वो भी लीनियरली वेरी करता है आप लोगों के पास इस तरह से। अगर इस तरह से आप लोग ने टॉर्क लगा कर रखा है लाइक दिस, अगर आपने क्लॉकवाइज एक टॉर्क इसमें लगा रखा है, तो बेटा उस कंडीशन में हमारे पास जो टॉर्क आएगा टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में, वो इस तरह का आपको दिखाई देगा लाइक दिस, दिस इज द शियर, सॉरी, जो शियर स्ट्रेस आएगा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, दैट विल लुक लाइक दिस शियर स्ट्रेसेस जो है वो आपके पास आ रहे हैं। अगेन जो शियर स्ट्रेस है दैट इज फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है, डेप्थ के लॉन्ग चेंज, आप ऊपर से नीचे जाओ, देखो ऊपर में, सबसे ऊपर में मैक्सिमम, फिर जीरो, शियर स्ट्रेस वेरी कर रहा है। तो हम लोगों को ये देखना जरूरी है कि कौन सा जो एलिमेंट होगा वो क्रिटिकल एलिमेंट है। तो क्रिटिकल एलिमेंट में जो भी स्ट्रेसेस होंगे, ठीक है, वो मैक्सिमम होंगे, जो वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। नाउ यहां पर जब हम लोग जनरली स्टडी करते हैं तो जो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस है फिलहाल के लिए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस की हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस की डिस्कशन नहीं करेंगे। इसका एक और कारण भी है कि जो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस जो आ रहा है दैट विल बी मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस, वेयर एज जो बाकी जो स्ट्रेसेस है ना, जो बेंडिंग स्ट्रेस है एंड जो टॉर्शनल स्ट्रेस है, दे आर जीरो एट दी बेंडिंग एट दी न्यूट्रल एक्सिस। तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसकी स्टडी नहीं करेंगे। टॉप सर्फेस पे जब हम लोग सर्फेसेस पे देखेंगे, क्योंकि जनरली जो क्रैक वगैरह होता है किसी भी बॉडी में, जो क्रैक वगैरह होता है जनरली सर्फेस पे पहले होता है। तो सर्फेस से जो होता है क्रैक वगैरह होता है एंड देन वो क्रैक प्रोपोगेट होता है समय के साथ साथ, ठीक है, अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड्स एक्सेट्रा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को सरफेस के फिनोमेनास की ज़्यादा नीड है एज कम्पेयर टू नियर द न्यूट्रल एक्सिस। और सरफेस की बात करें तो उस कंडीशन में आपका जो न्यूट्रल एक्सिस, जो आपका शियर स्ट्रेस है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है सरफेस पे, टॉप सरफेस पे, बॉटम सरफेस, ठीक है। सो दैट इज वाई हम लोग उसकी स्टडी नहीं करेंगे, इसलिए उसकी स्टडी नहीं करेंगे, है ना। सो जो आप एलिमेंट ले रहे हो इस तरह से, जैसे कि मैं लिया यहाँ पर, है ना,
इस तरह से मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया बेस के पास, तो इसमें इस एलिमेंट में, इस एलिमेंट में आप देखेंगे क्योंकि जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है दैट इज हॉगिंग, ओके, तो ऊपर क्या रहेगा, टेंशन, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, और जो शियर स्ट्रेस है वो आ जाएगा आप लोगों के पास, इस तरह से क्लॉकवाइज लग रहा था तो उसके हिसाब से ये आप लोगों का शियर स्ट्रेस आ जाएगा लाइक दिस, ये शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन आ जाएगा। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसमें इस तरह से टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस और इस तरह से क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेसेस आ जाएंगे। अच्छा, कई लोगों को डाउट आता है कि सर ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन कैसा होगा। देखो बेटा, कई लोगों ने कमेंट भी किया था, कमेंट में देखता रहता हूँ प्रॉपरली, ठीक है, किसी ने कमेंट किया था सर डायरेक्शन समझ नहीं आता, तो मैंने बोला डायरेक्शन वगैरह मैं सिखा के जाऊँगा, तो देखना क्या होगा। आपने यहाँ पर जैसे इस तरह से टॉर्क लगाया, दिस इज अ टॉर्क जो आपने अप्लाई किया, ये आपने टॉर्क अप्लाई किया, ठीक है। अब कई लोगों को लगता है सर टॉर्क जब आप लोग आपका सर टॉर्क जब है क्लॉकवाइज आ रहा है तो फिर शियर स्ट्रेस तो अपोजिट होगा ना, क्योंकि रेजिस्टिंग टॉर्क के कारण आता है। यस, कहना आपका सही है बिल्कुल। अब देखोगे कैसे, देखो इसको दिख, वो ऐसा क्यों ड्रॉ किया था वो भी बताता हूँ आपको। मैं जैसे इसको यहाँ से सेक्शन काटा तो देखो क्या होगा, ये एक पोर्शन बन जाएगा, ये दूसरा पोर्शन बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। इस पर अप्लाई कर रहे हो टॉर्क इस तरह से, है ना, इसके इस पर इस तरह टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका रेजिस्टिंग टॉर्क और यहाँ पर आ जाएगा इसका रेजिस्टिंग टॉर्क। आई क्या बात समझ में, है ना, आई क्या बात समझ में। तो इस वाले पोर्शन पे कैसा आ रहा है टॉर्क, देखो इधर क्लॉकवाइज है तो इस वाले पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऑब्वियसली बात है। और जो रैग नेक्स्ट जो इसका जो पोर्शन आएगा उस पर कैसा होगा, उस पर टी क्लॉकवाइज, फिर अगेन यहाँ पर क्या रहेगा, टी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, दिस इज कम्प्लीटली फॉलोइंग दी मेथड ऑफ सेक्शन। अगर आप सबको मर्ज करोगे, अगर देखो आप इस वाले बॉडी, इस वाले पोर्शन, पोर्शन नंबर वन और पोर्शन नंबर टू को अगर आप मर्ज करते हो, पोर्शन नंबर वन और टू को अगर आप मर्ज कर देते हो, दिस इज वन एंड दिस इज टू, तो ये देखो क्लॉकवाइज टी और ये एंटी क्लॉकवाइज टी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसको आपस जोड़ा जा सकता है ना। तो मेथड ऑफ सेक्शन हमेशा याद रखना, दैट द बॉडी इज कट इन सच अ वे दैट द बॉडी विल ऑलवेज रिमेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये हमेशा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, अगर आप इसको, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को पूरी तरह से देखो सारे को अगर आप जोड़ देते हो तो आखिरी में आप लोग को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो देखो क्या हुआ, ये वाला इस तरफ आप लोग को क्लॉकवाइज अगर आपने टॉक था तो यहाँ पर जो आपने सेक्शन काटा तो इस सेक्शन पे इस बॉडी पे क्या आएगा, इस बॉडी पे क्या आएगा, अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इस पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था तो उस बॉडी पे क्या आ रहा होगा, सेकंड वाली याली बॉडी पे क्या रहा होगा, इस पे आपको क्लॉकवाइज आप लोगों को बेंड ट्विस्टिंग मूवमेंट दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा, ऐसा क्यों भाई, ये दोनों जो सर्फेस हैं ये इनिशियली इस तरह से जुड़े हुए थे, नाउ दे आर ट्राइंग टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर। तो जब ये वाला सरफेस की रिलेटिवली मूव कर रहा है, तो जब ये इस पर जब आप लोग क्लॉकवाइज मोमेंट लगाओगे तो दिस सरफेस विल फील एन एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग मोमेंट एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली इस पर जो टॉर्क ट्रांसफर हो रहा होगा इस वाले पोर्शन कारण, वो कैसा होगा, वो इसको जब ये बॉडी इसके रिलेटिव मूव कर रही तो इसको कैसा फील हो रहा है, इसको टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क ही फील हो रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो सेक्शन वगैरह काटे, दे आर कम्प्लीटली फॉलोइंग दी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से देखूँ, अगर मैं यहाँ पर एक सेगमेंट लेता हूँ इस तरह से एक सेक्शन काट करके, तो ये जो सेगमेंट है, ठीक है, इसमें यहाँ पर टॉर्क आ रहा था लेटस से टी, तो इस वाले सेगमेंट पे भी आएगा यहाँ से टी और यहाँ रेजिस्टिंग टॉर्क कितना आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में टी आएगा, ठीक है। नाउ जो सेकेंड सेगमेंट है आप देख सकते हो, इसको अगर आप समझना चाहो तो देखो भाई यहाँ से देख लो, उल्टा चल के देख लो, यहाँ पर अगर आप बोल रहे हो कि टी है तो बताओ सपोर्ट पे कितना आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में टी आएगा ना, सपोर्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में टी आएगा। तो देखो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में टी में ड्रॉ किया तो यहाँ पर देखो कैसा आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में टी। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये वाला सेम सेक्शन है, सेक्शन सेम है, इस सेक्शन ने दो पार्ट में डिवाइड किया इसको, वन और टू। तो देखो इस वाले प्लेन पे जहाँ पर सेक्शन है आपका, इस सेक्शनल प्लेन पे यहाँ पर बॉडी नंबर टू के लिए, एलिमेंट नंबर टू के लिए आप देखोगे कि जो रेजिस्टिंग टॉर्क है दैट इज व्हाट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जस्ट टू फॉलो द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसा किया जाता है। नाउ अब शियर स्ट्रेसेस का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो जैसे कि आप लोगों ने शियर स्ट्रेस यहाँ पर टॉर्क लगाया, इस तरह से टॉर्क लगाया तो क्या होगा, देखो ड्यू टू दिस टॉर्क, जब आप लोग जैसे कि यहाँ पर शाफ्ट में आपने टॉर्क अप्लाई किया, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपने टॉर्क लग के, जस्ट कंसिडर एन एलिमेंटल डिस्टेंस, जस्ट एक एलिमेंटल डिस्टेंस यहाँ से कंसिडर करो, ठीक है, जस्ट एन एलिमेंटल डिस्टेंस यहाँ से कंसिडर करो। सो दिस टॉर्क इज ट्राइंग टू मूव दिस सरफेस इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन,
ऐसा बोल रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पे ऐसा आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर दो टेंजेंट सेंटर से मिलाते हुए, तो आपको मिल जाएगा कि जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो इस डायरेक्शन में देखो ये जो पॉइंट में या फिर मैंने ऐसा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के टेंजेंशियली ये फोर्स लगा रहा है, दैट मीन्स एक शेयर फोर्स लगा रहा है। सो एट दिस फेस इट इज अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। सो ये वाले फेस पे क्या मिल रहा होगा, इसको इस तरह से फोर्स मिल रहा होगा। आई क्या बात समझ में, इस तरह से इसमें फोर्स आप लोगों को मिल रहा होगा, क्लियर बात है। सो यहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया और नेक्स्ट सरफेस पे एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, ठीक है, एक डी एक्स डिस्टेंस बाद जो नेक्स्ट सरफेस है भाई वहां से रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। भाई जिस सरफेस पे लगा रहे उसी सरफेस पे कैसे रेजिस्टेंस मिल जाएगा, नेक्स्ट सरफेस से मिलेगा ना। ये जैसे मैं अभी मूव कर रहा हूं तो मैं अपने पाँव का, मेरे जो पाँव का जो स्किन है वहाँ वो जो कांटेक्ट पे, तो मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ फ्लोर पे, जो फोर्स लगा रहा हूँ फ्लोर पे, अगर वो फोर्स मैं इस डायरेक्शन पे लगा रहा हूँ फ्लोर पे, तो फोर्स जो फ्लोर पे फोर्स आ रहा है वो तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, ठीक है, इसी डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन तो ना आ रहा है। मैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में तो फोर्स आएगा। तो वैसे वही बात है, जो आपने टॉर्क लगाया है, जो टॉर्क लगा अगर वो क्लॉक वाइज है तो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉक वाइज फोर्स कैसे आ सकता है। तो बस वैसे इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा दैट इज द अप्लाइड फोर्स विल ड्यू टू टॉर्क विल बी इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ द टॉर्क। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेन होगा वो क्या करेगा, आपने जब इस फोर्स को यहां पर अप्लाई किया, इस टॉर्क को यहां पर अप्लाई किया, तो ये वाला जो सर्फेस है दैट ट्राइड टू मूव एंड द सर्फेस नेक्स्ट टू इट ट्राई टू रेजिस्ट। This surface is trying to move according to this applied torque, but the surface or the plane adjacent to this particular plane will resist this motion because दोनों के बीच में कुछ attraction forces हैं। So ये surface अगर इस sense में move करना चाहेगा तो इसके adjacent ये वाला जो surface है that will not allow this surface to move and ये resistance create करेगा due to the attraction force, right? So वही हो रहा है, देखो आप इस direction में force लगा रहे हो तो उसका जो next वाला जो surface है this is applying the force in the opposite direction. So if you will take a small element in the surface like this, जैसे यहाँ पर आपने torque apply किया, इस तरह से आपने टॉर्क अप्लाई किया, तो अगर आप यहां पर एलिमेंट लोगे, इस तरह से 3D एलिमेंट थोड़ा सा मैं ले लेता हूं इस तरह से, ओके, सो दिस सरफेस विल बी सब्जेक्टेड टू द शियर स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द टॉर्क एंड द अपोजिट फेस है इसका, ये वाला जो फेस है, दिस फेस विल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्क लाइक दिस, और जो रिमेनिंग है उसमें क्या आ जाएगा, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आ जाएगा इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे लाइक दिस। This is very simple. अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का, मैं कैसे आप लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, आपके पास ऐसा कोई शाफ्ट है ना, और इसमें ऐसा बोल दिया मैं कि ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है। देखो ट्विस्टिंग मोमेंट कैसा लग रहा है, यहाँ से देख कर समझ सकते हो क्लॉक वाइज। अब मैं बोला ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करना है अंडर दिस कंडीशन। तो आपको क्या करना है, तो क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लग रहा है, देयर इज नथिंग, कोई भी इसमें बेंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही, दिस इज ओनली टॉर्क एंड दिस ओनली क्रिएट्स टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस आएगा ड्यू टू दिस टॉर्क। अब उसका डायरेक्शन वगैरह कैसे शो करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ। क्लॉक को इस टॉर्क जो है वो कैसा दिखे, उसको मैं कपल्स के थ्रू अगर शो करना चाहूँ तो क्या ऐसा शो कर सकता हूँ क्या, देखो इस तरह से, yes, so these two arrows or these set of arrows are representing a clockwise torque, right? अब इसका opposite कर दो, इसको mirror कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, and now just draw the element, अब इसका complementary बन गया, the state of stress is complete. अगर आप पूरा process लगाओगे जो मैंने अभी आपको सिखाया तब भी आपको same answer मिलेगा। now again same shaft है, apply a An anti-clockwise torque like this. Element is the same. Now, अब आपको इसमें देखना है state of stress. तो भाई anti-clockwise के लिए क्या होना चाहिए, like this. ये जो set of arrows है, they are representing an anti-clockwise sense of rotation. इसका opposite कर दो बेटा, ये हो जाएगा ऐसा. And just draw the element. This is the state of stress for this element. And this is the shortcut. तो क्या करना है, जो torque है, torque जिस भी sense में, उसके sense के according जो couple of arrows है, वो draw करो. एंड देन उसको मिरर कर दो, यानी कि उसको अपोजिट कर दो,
मिल गया आप लोगों को आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस। दिस इज वेरी सिंपल वे टू ड्रॉ एंड आप लोग सिंपली कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो जब आप लोग टॉर्क अप्लाई करते हो तो जस्ट एक और सीयर स्ट्रेस आता है, उसके अलावा कुछ भी स्ट्रेस यहाँ पर आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब इसमें मैं साथ ही साथ बेंडिंग अप्लाई करूंगा तो इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा कि भाई कहाँ पर जो है हमारा जो स्ट्रेस है वो आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कितना आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ये हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। नाउ सो अगर जो एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है, इफ एलिमेंट में एम बेंडिंग मोमेंट है, एम इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, और टी अगर आपके पास उसमें ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है, टी अगर उसमें आपके पास ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसको मैं ऐसा ड्रॉ कर दिया, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी, ओके, एंड दिस इज द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस टाउ, दिस इज टॉर्शनल शियर स्ट्रेस टाउ। तो सिग्मा बी क्या हो जाएगा, सिग्मा बी जाएगा आपके पास एम वाई बाई आई, ये क्या हो जाएगा आपके पास, टाउ क्या हो जाएगा आपके पास, टाउ जाएगा आपका टी बाई जे इंटू आर, ठीक है, सॉलिड शाफ्ट या हॉलो शाफ्ट के अकॉर्डिंग जैसा चाहो इसमें लिख सकते हो। फॉर सॉलिड शाफ्ट अगर आप लिखते हो, फॉर सॉलिड शाफ्ट, ओके, फॉर सॉलिड शाफ्ट अगर आप लिखते हो तो सॉलिड शाफ्ट का डायामीटर इस तरह से, ये आपके पास डी डायामीटर हो गया उसका, ये इसका सेंटर है, दिस इज सेंटर, तो जो वाई की वैल्यू है वाई विल बी डी बाई टू, ओके, वाई विल बी डी बाई टू, ओके, वाई विल बी डी बाई टू, है ना। तो और आई क्या हो जाएगा आपके पास, आई अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू पाई बाई 64 इंटू डी रेस्ट पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से एम वाई बाई एम एस उसका कर सकते हो, और अगर आप जे लिखना चाहो इसका पाई बाई 32 डी रेस्ट पावर 4, ठीक है, और आर आज का हो जाएगा इसका आपके पास डी बाई 2, इस तरह से हो जाएगा। तो आप लोग ये सारा फॉर्मूला जो है, ये सारा जो वैल्यूज है इन फॉर्मूले में इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ हियर हो सकता है कि आपका जो शाफ्ट बना है, हो सकता है वो ऐसे मटेरियल का हो जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस वो ना झेल पा रहा हो और वीक इन टेंशन हो, हालांकि ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें दो तरह के स्ट्रेसेस आएंगे, हमको क्लियर है, ये जो आपके पास स्ट्रेस एलिमेंट दिख रहा है इससे दो चीज़ तो क्लियर है कि इसमें एक प्लेन होगा, ऑब्वियसली बात है, किसी लोकेशन पर जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, यानी कि मैं ऐसे प्लेन की बात कर रहा हूँ विच इज़ प्रिंसिपल प्लेन थीटा पी, तो एक थीटा पी आपको लोकेशन होगी जहाँ पर आप लोगों को प्रिंसिपल स्ट्रेस देखने को मिल रहा होगा, और एक प्लेन ऐसा देखने को मिल रहा होगा जहाँ पर शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस बॉडी में दो चीज़ तो आनी ही आनी है, एक तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आने हैं और दूसरा क्या आना है, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस आना है। तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा इसमें, प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस आप लिख सकते हो जैसे कि सिग्मा 1 लिखना हो आपको, दिस इज प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर होता है। तो सिग्मा वाई तो है नहीं, एक ही स्ट्रेस है यहाँ पर, दैट इज सिग्मा बी, तो सिग्मा बी बाई टू प्लस माइनस, प्लस बस लिखते हैं, ठीक है, माइनस लिखने की नीड नहीं है, ये हो जाएगा प्लस रूट ओवर सिग्मा बी बाई टू होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने देख ली यहाँ पर, ये तो ये जो आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस बन रहा है विच रिप्रेजेंट्स दी बेंडिंग स्ट्रेस विच इज इन टेंशन, कंप्रेशन भी हो सकता है, हम टेंशन के लिए ड्रॉ करें, अगर कंप्रेशन वाला प्रॉब्लम आया तो हम वहाँ पर बस माइनस पुट कर देंगे, ठीक है। और शियर स्ट्रेसेस इस तरह से शो कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिंसिपल स्ट्रेस जो मिल रहा है सिग्मा 1, ओके, दिस इज दिस, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो सिग्मा 1 और आप लिख सकते हो सिग्मा मैक्स, ओके, जो आएगा दिस डेटल 16 अपॉन पाई डी क्यूब, ओके, प्लस एम प्लस, ओके, रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। अगर आप लोग दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करो, मैक्सिमम और मिनिमम, तो यहाँ प्लस और माइनस भी आ जाएगा, तो यहाँ भी प्लस और माइनस आ जाएगा, तो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम भी आप यहाँ से निकाल पाओगे, ठीक है, दैट इज सिग्मा 2, ऐसा आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे माइनस यूज करके, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे इससे, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई बाई आई से, है ना, एम वाई बाई आई से, तो एक सॉलिड शाफ्ट के लिए मैं देखा एम, ठीक है, वाई क्या हो गया आपके पास, वाई हो गया आपके पास डी बाई टू, आई क्या हो गया भाई पाई बाई 64,
डी रेस टू पावर 4, तो यहाँ से कट गया, ये हो जाएगा 32। ओके, ये हो गया आपके पास यहाँ से 32, और यहाँ से ये हो गया आप लोगों के पास डी क्यूब। ओके, तो 32, ओके 32 एम, ओके 32 एम, ओके अपॉन पाई डी क्यूब, दिस इज सिग्मा बी, है ना। और जो टाउ आपके पास आया था, है ना, टाउ दैट इज 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब। तो देखो जस्ट इन्हीं वैल्यूज को मैंने पुट किया है यहाँ पर, जस्ट इन्हीं वैल्यूज को पुट किया है और यहीं से मैंने आंसर निकाला है। तो दिस इज सिग्मा मैक्स। देन यहाँ से आप लोग आगे चल करके टाउ मैक्स भी निकाल सकते हो। टाउ मैक्स आपका हो जाएगा 16 अपॉन पाई डी क्यूब, ओके इंटू रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये जो रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जो है, इसको टी ई भी बोलते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टॉर्क, है ना, इक्विवेलेंट टॉर्क। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन के, इसके हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं और जो शियर स्ट्रेसेस हैं, उसका इस्तेमाल करके किसी भी कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन के प्रॉब्लम को इजीली फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन। तो आगे का जो है वो डिस्कस करते हैं, यानी कि जो बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं, लाइक इसमें हम लोग किस तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस का एनालिसिस कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने एक ऐसा शाफ्ट देखा, ये शाफ्ट देखा हम लोगों ने, ओके दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ओके एंड ये आपके पास जो दो लैटरल एक्सिस है, ये आपके पास वाई, ये आपके पास जेड, ये आपके पास एक्स। तो इस तरह से जेड एक्सिस के अबाउट एक इसमें बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और एक्स एक्सिस के अबाउट इसमें इस तरह से एक ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मैं इसमें जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस वो निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे, ये आपके पास न्यूट्रल प्लेन हो गया इसका। यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, या जैसे कि यहाँ पर बेस के पास अगर पॉइंट लेता हूँ मैं इस तरह से, तो बेस के पास लेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा क्रिटिकली लोडेड होगा, क्योंकि बेस पे हम देख सकते हैं जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसका, उसके अकॉर्डिंग बेस पे हम लोग देख सकते हैं कि बेस पे आप लोगों के पास जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो आएगा, और क्योंकि बेंडिंग और मैक्सिमम है, सो द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विल बी ओवर हियर। जबकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर इसका बीएमडी ड्रॉ करते हो, सो इन द बीएमडी ऑफ दिस कैंटिलीवर यू विल सी के यहाँ पर कुछ भी ऐसा मैक्सिमम जैसा नहीं, यहाँ पर जीरो है ना, यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है दिस इज जीरो। सो यहाँ पर ओनली ट्विस्टिंग आप लोगों को दिखाई देगी। सो दिस पोर्शन, दिस पॉइंट और दिस प्लेन इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेसेस, बट हियर वी हैव टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस। सो जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस है वो सब जगह है, लेकिन जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है दैट इज एट द पॉइंट नियर द बेस, जो आपका फिक्स सपोर्ट के पास जो पॉइंट मौजूद है वहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा है। सो क्रिटिकली लोडेड जो होगा वो वहीं पर होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ ऊपर एक पॉइंट ले लूँ और एक नीचे एक पॉइंट ले लूँ, इस तरह से एक ऊपर ले लिया इसमें और एक मैंने नीचे ले लिया, लेट अस से ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट बी है, ए और बी, इस तरह से, ठीक है। सो ए का जैसे मैं बताऊं तो ए में ऑब्वियस सी बात है आप लोग स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ कर सकते हो, बी का भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ कर सकते हो। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करना और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं उसके हिसाब से इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है वो ड्रॉ करके देखना, ए का और बी का, ठीक है, ए का और बी का जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो ड्रॉ करके देखना। नाउ ए पे ऑब्वियस सी बात है इस तरह से इसमें टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा होगा और इसके क्लॉकवाइज टॉर्क के अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज टॉर्क आप लोग का लग रहा है जैसे कि, है ना, क्लॉकवाइज टॉर्क आपको लग रहा है, तो मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज टॉर्क करने की ऐसा, इसका अपोजिट करोगे तो कैसा हो जाएगा, इसका अपोजिट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा और ये इस तरह से फिर शेयर स्ट्रेसेस आप लोगों के बनेंगे, है ना। ये आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो ना, ये क्लॉकवाइज टॉर्क ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, इसका अपोजिट करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा अपोजिट, तो दिस विल बी ऑन द वर्टिकल प्लेन लाइक दिस, ओके, ये आप लोग का हो गया और यहाँ से आप लोग का जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो कंप्लीट हो गया, क्लियर। सेम ऐसे स्टेट ऑफ शियर का जो स्ट्रेस है वो, अब शियर स्ट्रेस का जो सिचुएशन है वो बी में भी वैसे ही रहेगा, तो बी में सीधा ड्रॉप कर देते हैं हम लोग लाइक दिस। आप लोग उसको जो कन्वेंशनल अप्रोच है उससे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैंने आपको हालांकि एक शॉर्टकट बताया, और इसमें कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा बी इस तरह से, है ना। अब आप लोगों को कोई एक पॉइंट बोल दिया मैं, तो इसमें अब किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप चाहो तो शियर स्ट्रेस, या आप चाहो
तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। नॉर्मली जो हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ रखे हैं चैप्टर नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन में, इस तरह से थीटा डिग्री पर अगर आप चाहो तो आप लोग सिग्मा थीटा एंड टाऊ थीटा जो आपके पास होता है वो निकाल सकते हो, है ना। हम लोगों को फॉर्मूला पता है पूरा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ही हम लोगों को पता है। इसमें सिग्मा वाई नहीं आएगा, जैसे इसको आप एक्स डायरेक्शन मानते हो तो ये सिर्फ सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई यहाँ पर जीरो हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिए, साइन कन्वेंशन जो हम लोग फॉलो करते थे, क्लॉक वाइज टाउ पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज टाउ नेगेटिव एक्सेट्रा लेकर के आप लोग उसको भी इजिली बना सकते हो। क्लियर, एकदम ये चीज़ बन जाएगी आप लोगों की। नाउ इससे आप लोग किसी भी पर्टिकुलर प्लेन पर जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हो। तो नॉर्मल स्ट्रेस में लिख दिया, जैसे कि एक ही बात करो तो ये पे आ गया सिग्मा बी बाई टू प्लस सिग्मा बी बाई टू कॉस टू थीटा, ओके, प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ये आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे किसके लिए, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, किसी भी एलिमेंट पे। आप ए पे लगाओ, आप बी पे लगाओ, ए पे लगाओगे तो सिग्मा बी टेंसाइल है और टाउ एक्स वाई जो है यहाँ पर टाउ जो है दिस इज एंटी क्लॉक वाइज तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, थीटा आपने जैसा काटा है आपने क्लॉक वाइज काटा है तो थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस ऐसा निकाल सकते हो किसी भी लोकेशन पे। आप चाहो तो शियर स्ट्रेस भी निकाल सकते हो, शियर स्ट्रेस निकाल सकते हो क्या, देखो टाउ थीटा, टाउ थीटा पे चले जाओ, टाउ थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू होता था, सिग्मा वाई के साथ कुछ तो है नहीं तो सिग्मा बी बस है, तो माइनस सिग्मा बी बाई टू, ओके, साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, ऐसा आपके पास होता है, ठीक है, ये आपके पास होता है। तो टाउ एक्स वाई ना लिख करके आप चाहो तो टाउ की जगह बेसिकली टाउ एक्स वाई की जगह आप लोग क्या लिखोगे, बेसिकली यहाँ पर जो आपकी टाउ की वैल्यू है वो आपकी आएगी, है ना, और जो दिख रहा है इसमें उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि सिग्मा बी यहाँ पर बी के लिए लिखोगे तो कॉम्प्रेसिव, ए के लिए लिख रहे होगे सेम इक्वेशन तो टेंसाइल, इस तरह से आप लोगों के पास जो नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस हैं वो आपके आ रहे होंगे कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन के केस में। तो सेम जो एनालिसिस है, जो आप सेम एनालिसिस है वो इसके बेसिस पे भी कर सकते हो, डेट इज़ मोहर सर्कल के बेसिस पे भी कर सकते हो। तो मोहर सर्कल के बेसिस पे करने के लिए हम लोगों ने जो रेफरेंस एक्सिस जो है वो ले लिया वर्टिकल प्लेन को, जो वर्टिकल प्लेन है उसको रेफरेंस लेते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर हो गया आपका सिग्मा एन एक्सिस, दिस इज टाउ एक्सिस, दिस इज माइनस सिग्मा एन, दिस इज माइनस टाउ, ठीक है, इस तरह से लिया और इसके कोऑर्डिनेट जस्ट लिख दो, इस वाले वर्टिकल प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जैसे ए के लिए लिखूँ मैं, जैसे ए के लिए बना रहा हूँ, ए के लिए बनाया जैसे मैं, आप बी के लिए आप लोग बनाना, मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, बी जो है बी का आप लोग बना करके देख लेना, ठीक है। तो बी के लिए आप बनाओगे तो कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन के लिए जब आप बनाओगे तो उस कंडीशन में ऊपर वाला जो पॉइंट आया उसके लिए क्या होगा, ए के लिए टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस और ये है आपके पास एंटी क्लॉक वाइज शियर स्ट्रेस, तो टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस इस तरह से, है ना, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस और एंटी क्लॉक वाइज शियर स्ट्रेस, तो जाएगा सिग्मा बी यहाँ से यहाँ तक जीरो जीरो है ये आपके पास, यहाँ से सिग्मा बी और फिर सिग्मा बी फिर स्क्वायर फिट नीचे की तरफ टाउ, फिर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें जीरो है, जीरो बेंडिंग स्ट्रेस, है ना, एंड क्लॉक वाइज शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास इस तरह से, है ना, ऑलमोस्ट यहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये बन गया रेफरेंस जो साइड है, उसके बाद फिर आप इस तरह से इससे मोहर सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों का मोहर सर्कल कंप्लीट, ठीक है। दिस इज वर्टिकल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन वी एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एच, दोनों का कोऑर्डिनेट, इसका क्या कोऑर्डिनेट, इसका सिग्मा बी कॉमा जीरो, सॉरी सिग्मा बी कॉमा टाउ माइनस टाउ, ओके, और इसका क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन का जीरो कॉमा टाउ, ये इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बन गए इसके, ठीक है। वर्टिकल प्लेन का है आपके पास बेंडिंग सिग्मा बी, एंटी क्लॉक का टाउ यानी कि माइनस, उसके बाद फिर ये आपके जीरो, नाउ बेंडिंग स्ट्रेस एंड देन टाउ। अब आप देख सकते हो इस तरह से आप लोगों का जो कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन का जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है इस तरह से बनता है, जिसमें बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कैसा है, टेंसाइल है। अगर बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेसिव होगा तो ऐसा ही बनेगा, इसी नेचर के अकॉर्डिंग बनेगा, बस कैसा बन जाएगा आपका, कंप्रेशन साइड बन जाएगा, तो जो वर्टिकल प्लेन है उस पर कंप्रेशन आ जाएगा। तो आप लोग बना के बताइएगा, यानी कि जो मैंने बी एलिमेंट लिया ये वाले का, इसका मोहर सर्कल आप लोग बनाइएगा और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पोस्ट कीजिएगा, ठीक है, कि आपसे बना के नहीं बनाना हो। अगर मान लीजिए ओनली एंड ओनली टॉर्शन हो रहा हो, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्योर टॉर्शन की, प्योर टॉर्शन की बात कर रहा हूँ, प्योर टॉर्शन, प्योर टॉर्शन, प्योर टॉर्शन इज केस ऑफ प्योर शियर,
इस केस ऑफ प्योर शेयर, इसमें सिर्फ और सिर्फ शेयर है, नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ शेयर है. कौन सा शेयर है? टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस. कौन सा शेयर स्ट्रेस है? टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस है, और कोई स्ट्रेस इसमें नहीं है. ठीक है, तो जैसे कि आपने शाफ्ट लिया, ठीक है, आपने जैसे कि शाफ्ट लिया, ये शाफ्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक इस तरह से ट्विस्टिंग मोमेंट टी अप्लाई किया. ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ पर टी आपने अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में जो भी एलिमेंट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग के कारण शियर स्ट्रेसेस यानी कि टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस बस आएंगे. ठीक है, ट्विस्टिंग के कारण शियर स्ट्रेसेस यानी कि टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस बस आएंगे आपके पास. तो कहीं पर भी एलिमेंट लो, जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट ले सकते हो, आप चाहो तो बेस के पास ले सकते हो. ठीक है, कहीं पर भी आप लोग ले सकते हो. इसका अगर आप लोग टॉर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाओगे, जो कि मैंने आपको सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उसमें आप देख पाओगे ये जैसे कि हो गया आपके पास. ठीक है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज टी. तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड टॉर्क लग रहा है बेटा फ्री एंड पे, है ना? अगर फ्री एंड पे कॉन्सेंट्रेटेड टॉर्क लग रहा है तो ये आ गया जस्ट बिफोर दिस जीरो एट सॉरी जस्ट आफ्टर द फ्री एंड, यानी कि जस्ट आफ्टर दिस पॉइंट. लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी. तो जस्ट बिफोर ए जीरो, जस्ट आफ्टर बी टी, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव इस तरह से. उसके बाद ए से लेकर के बी तक के कुछ भी चेंजेस नहीं है, सो द टॉर्क विल रिमेन कॉन्स्टेंट जस्ट बिफोर बी, बिकॉज बी पे क्या आ रहा होगा, बी पे एक रेजिस्टिंग टॉर्क आ रहा होगा टी आर विच इज इक्वल टू टी. ठीक है, तो यहां पर जस्ट बिफोर बी तक के टॉर्क विल बी टी, एंड देन जस्ट आफ्टर बी क्या हो जाएगा टी, क्लॉकवाइज माइनस टी विच इज दैट इज एंटी क्लॉकवाइज टी. तो टी माइनस टी दैट इज जीरो हो जाएगा. ये बन गया आपके पास डायग्राम, टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन गया इस तरह से. ठीक है, इस तरह से आपके पास टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन गया. सो एट एवरी लोकेशन यू कैन सी अलॉन्ग द लेंथ, इफ यू टेक एनी लोकेशन तो किसी भी लोकेशन पे आप जाओगे तो आपको सेम जो है आपको टॉर्क दिखेगा. कहीं भी चले जाओ ना, यहाँ से आप किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाओगे, सो एट एनी एक्स लोकेशन यू विल सी दैट देर इज सेम टॉर्क. सो एज टॉर्क इज सेम, सो फ्रॉम द टॉर्शन फॉर्मूला टॉर्क इक्वेशन टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर, always the torque torsional shear stress is coming out to be T by J into R. This will be at every location. So R is the outer radius, so at all the points at the surface there is same torsional shear stress. solid shaft ke liye agar likhun to ye ho jayega yahan se, ye kya nikal kar ke aa raha hai solid shaft ke liye, nikal kar ke aa raha hai ye 16 T upon pi d cube. D iska diameter hai, theek hai, इसका डायमीटर है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें एलिमेंट लिए, इस एलिमेंट को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस एलिमेंट पे आप स्टेट ऑफ स्ट्रेस इसका ड्रॉ करना चाहते हो, तो मैंने आपको सिखाया जो तरीका, टी देखो कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है. इसका अपोजिट कर दो इस तरह से, इन एरोस का अपोजिट कर दो ये, इसको वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ कर दो सिंपली. ये बन गया आप लोगों के पास स्टेट ऑफ स्ट्रेस इसका. क्लियर, कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं. इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं, इस तरफ ऐसा चेस्ट, इस तरफ ट्विस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो जब सेक्शन कट करोगे तो इस तरफ क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज. माने कि जैसे कि इस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरह से क्लॉकवाइज है, तो दैट इज अपसाइड ऐसा दिखेगा आप लोगों को. थोड़ा 3D में देखोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा. जैसे कि देखो, ये आपने ऐसा सेगमेंट एक छोटा सा मैंने काट दिया. अब आपके पास जो टॉर्क लग रहा है, यहाँ पर ओके, जो टॉर्क लग रहा है लाइक दिस, इस तरह से टॉर्क लग रहा है टी. तो इसके कारण, इस टॉर्क के कारण जो इस एलिमेंटल लोकेशन पे जो फोर्स आएगा आप लोगों का, फोर्स कैसा लगेगा भाई, फोर्स लगेगा इस तरीके से ओके, इस तरह से इसमें फोर्स आएगा. ठीक है, इस एलिमेंटल लोकेशन पे तो ये शियर फोर्स, ये जो फोर्स है इसके कारण यहाँ पर क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा इस डायरेक्शन में. एंड देन जो अपोजिट फेस है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास अपोजिट फेस है, ये वाला फेस, इस पे आएगा इस डायरेक्शन में आएगा. तो जब आप इसको यहाँ से देखोगे, जब आप इसको यहाँ से ऐसा व्यू करोगे, तो आपको जब इसका इमेज दिखेगा इसका ऐसा, तो उसमें ये वाला फोर्स इस साइड में दिखा, अपवर्ड शेयर फोर्स, और इस तरफ डाउनवर्ड शेयर फोर्स. और ये कैसा आया था, आपने टॉर्क कैसे लगाया था, देखो क्लॉकवाइज लगाया था. तो इसी लॉजिक से मैंने आपको सिखाया है जो शॉर्टकट ट्रिक जो है, तो शॉर्टकट ट्रिक इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे पूरा का पूरा लॉजिक बेस्ड है. ठीक है, सो आपका ये बन गया स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस एलिमेंट का, जो भी है इसका नाम रखना चाहो रख लो. तो इसका एलिमेंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस बन गया. तो ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन के लिए वी फॉर वर्टिकल प्लेन के लिए अगर आप लिखो, ठीक है, वर्टिकल प्लेन के अगर आप लिखते हो तो ये जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है, और शियर स्ट्रेस कैसा है, माइनस टाउ. और
इसके लिए हॉरिजॉन्टल के लिए लिखोगे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो, शियर स्ट्रेस डाउन। अब इसका मोहर सर्कल आप इजीली बना सकते हो क्या? ठीक है, तो मोहर सर्कल बना सकते हो। तो मोहर सर्कल बनेगा इस तरह से, जो वर्टिकल प्लेन है उस पर आया जीरो कॉमा माइनस टाउ, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पर आया आपके पास जीरो कॉमा टाउ, है ना, पॉजिटिव टाउ, और इधर क्या है, निगेटिव टाउ आया है ना, दिस इज सिग्मा एन, दिस इज माइनस सिग्मा एन। सो दिस विल बी द मोहर सर्कल, दिस विल बी द मोहर सर्कल। ये आप लोगों के पास मोहर सर्कल बनेगा इस तरीके का, इस तरीके का मोहर सर्कल बना। नाउ मोहर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा इस केस में, रेडियस विल बी इक्वल टू टाउ, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, दिस इज द रेडियस विच इज इक्वल टू, दिस इज जीरो टाउ, दिस इज टाउ। ओके, अब देखो ये जो मोहर सर्कल है, ये जो मोहर सर्कल है, ये दो जगह सिग्मा एन एक्सिस को कट करा, यानी कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, उन्होंने बताया मोहर सर्कल जहां पर सिग्मा एन एक्सिस को कट करता है, दैट पॉइंट रिप्रेजेंट्स व्हाट, अ प्रिंसिपल प्लेन। तो देखो ये आपका वर्टिकल प्लेन है, देखना क्या, दिस इज वर्टिकल प्लेन, ये आपका वर्टिकल प्लेन है। तो देखो वर्टिकल प्लेन से 2θp इज इक्वल टू कितना है भाई, एंगल 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री पे एक प्लेन मिला, और वर्टिकल प्लेन से 2θp इज इक्वल टू 270 पे आपको दूसरा प्लेन मिला। देखो ये वाला प्लेन पे भी देखो, यहाँ पर भी टाव कितना बेटा, जीरो है, यहाँ पर भी टाव कितना बेटा, देखो डायग्राम से जीरो है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिग्मा एन एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो सिग्मा एन कॉमा जीरो इसका कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो इसका मतलब ये ऐसा प्लेन है जिसपे शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो। सो दिस इज अ प्रिंसिपल प्लेन, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन थीटा पी वन, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन थीटा पी टू। तो थीटा पी वन कितना मिला आपको, 45 90 बाई टू, थीटा पी टू हो गया आपके पास 135 दैट इज 270 बाई टू। ठीक है, ये हो गया आपके पास, तो दो प्रिंसिपल प्लेन मिले। और ये कैसा है देखो, ये कैसे मिला, ये ऐसे मिला क्योंकि आपने टॉर्क जो था, जो प्योर टॉर्शन था, उसमें टॉर्क आपने कैसे लगाया था, टॉर्क यहाँ पर आपने क्लॉकवाइज लगाया था, तो ऐसा है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप लोग बताइएगा कैसा मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन। और ये सारे जो थीटा पी वन थीटा पी टू आया कैसा है देखो, आप ध्यान देना, यहाँ से ध्यान दो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज टेंसाइल नॉर्मल फोर्स, दिस इज टेंसाइल, दिस प्रिंसिपल स्ट्रेस इज टेंसाइल, दिस प्रिंसिपल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव, सो द टेंसाइल प्रिंसिपल स्ट्रेस, ऐसा बोल सकते हैं, देखना ये वाला जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा वन, दिस इज टेंसाइल एंड दिस प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा टू, दिस इज कंप्रेसिव। सो द टेंसाइल प्रिंसिपल स्ट्रेस इज देयर एट 45 डिग्री वॉट, एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज गया ना मैं, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वर्टिकल, ओके, फ्रॉम वर्टिकल, जो वर्टिकल प्लेन है उससे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे थीटा पी वन आपको मिल रहा है, थीटा पी टू एंटी क्लॉकवाइज 135 फ्रॉम वर्टिकल पे आपको जो मिल रहा है प्रिंसिपल प्लेन, वहां पर देखो कैसा है, यहां पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो कैसा है, कंप्रेसिव है। सो यहां से एक चीज ध्यान देना कि जब आप लोग प्योर शेयर की कंडीशन में होते हो या प्योर टॉर्शन की कंडीशन में होते हो, तो एक आपके पास टेंसाइल प्रिंसिपल स्ट्रेस आया और दूसरा आपके पास आया कंप्रेसिव प्रिंसिपल स्ट्रेस, और दोनों का मैग्नीट्यूड देखना, तो जरा ये देखो, दिस इज द रेडियस ऑफ मोर सर्कल एंड रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, टाउ। तो यहां से समझ आ रहा है कि सिग्मा वन और सिग्मा टू बराबर है मैग्नीट्यूड में, सिग्मा वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा टू, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा टू, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, टाउ। क्लियर बात है, तो जो दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हैं और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, शियर स्ट्रेस के बराबर है। सो सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, ये टेंसाइल है तो वो कंप्रेसिव है, ठीक है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेस। सो दिस इज द केस ऑफ प्योर शियर, दिस इज द केस ऑफ प्योर शियर, और प्योर शियर का जो डायग्राम वो दिखता है दैट इज वेरी आइडेंटिकल टू इक्वल बट अनलाइक स्ट्रेसेस। अगर आपको ध्यान होगा इक्वल एंड अनलाइक स्ट्रेसेस मैंने आपको चैप्टर टू में पढ़ाया था, तो इक्वल एंड अनलाइक स्ट्रेसेस के लिए भी कुछ इसी तरीके का डायग्राम बनता है, कुछ इसी तरीके आप लोगों का डायग्राम बनता है इक्वल एंड अनलाइक स्ट्रेसेस के लिए भी, ठीक है। सो दिस इज फॉर प्योर टॉर्शन, तो प्योर टॉर्शन जब आप लोगों का होगा तो प्योर टॉर्शन के केस में
देर इज नो बेंडिंग, देर इज ओनली ट्विस्टिंग. तो ओनली शियर स्ट्रेस, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आएगा. इसकी वैल्यू आप लोग टी बाई जे इजक्वल टू टाउ बाई आर करके इजिली फाइंड आउट कर सकते हो. और जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगे उनके डायरेक्शन मैंने आपको बता दिए. बेटा ये जो मैंने डायरेक्शन लिखे हैं 45 एंड 135 एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम वर्टिकल, ये मैंने जो डायग्राम बनाया है ना जिसमें टॉर्क आपका क्लॉक वाइज लग रहा है उसके लिए है. आंसर यही मिलेगा, बस आप लोग एक बार ट्राई करना ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राई करना जिसमें इसमें जो मैंने ट्विस्टिंग लगाई है, ट्विस्टिंग यहाँ पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज लगाई है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. एक बार इसलिए ट्राई कर लेना डायग्राम. मोहर सर्कल विल बी आइडेंटिकल, बस सर्टेन डिफरेंसेस आएंगे. क्या डिफरेंस मिले कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे साथ बात कीजिएगा, ठीक है. नाउ तो हमने मोहर सर्कल देख लिया, इसका प्योर टॉर्शन का मोहर सर्कल कैसा दिखता है. हम लोग ने ये भी देख लिया कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है और जो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है दोनों का वैल्यू बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होता है. दिस वाज अबाउट दी प्योर टॉर्शन, ठीक है. तो प्योर टॉर्शन का जो स्टडी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर हो गया यहाँ तक? तो प्योर बेंडिंग इज वॉट, जब आपके पास शियर स्ट्रेसेस नहीं होते. बट प्योर टॉर्शन इज वॉट, जब आपके पास बेंडिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता. और यहाँ पर मैंने बताया कि हम लोग जनरली जो एलिमेंट ले रहे हैं दैट इज बीन टेकन एट द टॉप सर्फेस, एंड एट द टॉप सर्फेस शियर स्ट्रेसेस जो होगा आपका वो जीरो होगा, ठीक है. शियर स्ट्रेस जो होगा वो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस जो होगा वो जीरो होगा टॉप सर्फेस पे और बॉटम सर्फेस पे. और किसी दूसरे लोकेशन पे लेते हो अगर आप लोग, लाइक दिस, जैसे कि आपने ये ऐसा बनाया, ये टॉप है बॉटम है, तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस ट्रांसफर शेयर से जीरो, बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस विल बी देयर. बट हम लोग जनरली इतना कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं करते हैं, वी ओनली कंसिडर द बेंडिंग एंड द ट्विस्टिंग. ओके, क्लियर बात है. नाउ कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन में एक चीज आप लोगों को, एक और प्रॉब्लम आपको दी जाती है, पुलिस वाले प्रॉब्लम दी जाती है, पुलिस वाले. ओके, तो पुलिस वाले केस में कैसे दिया जाएगा, जैसे कि आपके पास इस तरह से एक शाफ्ट है और शाफ्ट के इस एंड पे इस तरह से एक पुली लगी हुई है, लाइक दिस एक पुली लगी हुई है, दिस इज द पुली, है ना, दिस इज द पुली. नाउ ध्यान देना, ये जो पुली बनी आपकी, इस पुली पे टेंशन लग रहा है, बेल्ट टेंशन, like this. This is T1, this is T2. T1 जो है this is tension on the tight side. Belt में एक तरफ ज़्यादा tension होता है, पुली में जो belt अगर लगे होते हैं उसमें एक तरफ ज़्यादा tension होता है और एक तरफ कम tension होता है. तो जिस तरफ tension ज़्यादा होता है उसको मैं T1 से represent कर रहा हूँ, tension on the tight side, and tension on the loose या फिर slack side उसको हम लोग T2 से represent करते हैं, ठीक है, T2 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब देखो ये क्या करेगा, T1 जो है दैट इज हायर देन T2. तो इस तरफ टेंशन ज्यादा, इस तरफ टेंशन कम, सो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन टेंशन दैट इज T1 माइनस T2, ये क्या कर जाएगा, जो पुली है इस तरह से रोटेट कर जाएगा. सो दिस T1 माइनस T2 विल गिव यू द ट्विस्टिंग इफेक्ट. तो ट्विस्टिंग किसके कारण आएगा, टॉर्क जो है आपके पास T, ये किसके कारण आएगा, T1 माइनस T2 के कारण आएगा. सो दिस T1 एंड दिस T2 इज ऑन द बेल्ट, is on the belt, and the belt is there on the surface of the pulley, and it is at a distance of R from the center of the pulley. So, jo twisting aegi, which is due to T1 minus T2, will be equal to T1 minus T2 multiplied by the distance, which is R. तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट आया. बट इसके साथ साथ क्या आएगा, देखो आप लोग जब इसको खींच रहे हो, इसमें जब फोर्सेस लगा रहे हो T1 T2, तो दिस फोर्सेस आर एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट कितना फोर्स आ रहा है देख पाएंगे क्या, यहाँ नीचे की तरफ कितना फोर्स आ रहा है, देखो T1 प्लस T2, ओके, फ्लो में माइनस बोल रहा, T1 प्लस T2 नीचे की तरफ जो नेट फोर्स आ रहा है. सो इस पुली पे आप देख पाओगे ऐसे नीचे की तरफ कितना फोर्स आ रहा है, T1 प्लस T2, इस तरह से T1 प्लस T2, इस तरह से फोर्स आ रहा है. नाउ दिस फोर्स इट एट अ डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम द बेस. तो यहाँ पर बेस के अबाउट ये बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2 इंटू L. तो ये जो ट्विस्टिंग आई इसमें, ओके, ट्विस्टिंग आई इस तरह से, दिस इज द ट्विस्टिंग मोमेंट. ट्विस्टिंग मोमेंट आप देख सकते हो, इसका अब आप एक डायग्राम बना सकते हो इस तरह से डायग्राम बना सकते हो फाइनली, ओके, इस तरह से डायग्राम बना सकते हो. इसके इस एंड पे ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है आपके पास, दिस इज T1 माइनस T2 इंटू R, और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है इस तरह से, ओके, एंड विच इज लाइक दिस T1 प्लस T2 इंटू L, लाइक दिस.
So the twisting is at the free end. Twisting moment is there in the free at the free end. And यहाँ पर T1 plus T2 का जो moment है, bending moment है, वो आ रहा है. तो you can observe this value from the bending moment diagram. इस तरह से bending moment diagram बनेगा इसका. Free end पे zero bending moment. यहाँ पर कितना आ रहा है? Fixed end पे bending moment T1 plus T2 into L. Okay? और ये क्या create करेगा? Hogging create करेगा. ठीक है? This is your BMD. वैसे आप टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाओ कि अगर सो टॉर्क इज देयर एट द पुली और पुली के बाद से लेकर के यहां तक के फिक्स एंड के पहले तक के कुछ भी नहीं है. फिक्स एंड पे क्या आएगा? फिक्स एंड पे रेजिस्टिंग मोमेंट रेजिस्टिंग टॉर्क आ रहा होगा इस तरह से अपोजिट सेंस में टी आर आ रहा होगा रेजिस्टिंग टॉर्क एंड विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इन टू आर रेजिस्टिंग टॉर्क. सपोर्ट पे रिएक्शन आएगा ना रिएक्शन टॉर्क जो आ रहा है टी वन माइनस टी टू इन टू आर. तो यहां से अगर आप इसका डायग्राम बनाते हो तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज राइट दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सो दिस विल गो लाइक दिस जस्ट बिफोर दिस पॉइंट देयर इज नो टॉर्क जस्ट आफ्टर दिस पॉइंट देयर इज अ टॉर्क ऑफ देयर इज अ टॉर्क ऑफ टी वन माइनस टी टू इन टू आर. ओके इसके बाद फिर जस्ट बिफोर दिस पॉइंट जहां पर ये रिएक्शन टॉर्क लग रहा है देयर इज नो टॉर्क सो द टॉर्क विल रिमेन कॉन्स्टेंट. जस्ट आफ्टर दिस क्या हो गया ये क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज मैग्नीट्यूड इज सेम क्या मिल गया जीरो. इस तरह से टॉर्क आ गया. ओके सो एट दिस सेक्शन यू विल हैव द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड द मैक्सिमम टॉर्क. ओके तो यहां पर जो सेक्शन होगा यहीं पर कहीं पर आपको मिलेगा क्या क्रिटिकल एलिमेंट. नाउ एज बेंडिंग स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम ऑन द टॉप मोस्ट फाइबर सो दिस टॉप मोस्ट फाइबर विल बी द क्रिटिकल एलिमेंट. ऑल्सो अगर ये सिमेट्रिकल है जैसे कि तो आप नीचे भी बोल जैसे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन या सर्कुलर सेक्शन है सो इन दैट केस आप ले सकते हो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ बेंडिंग स्ट्रेस बराबर है सो दीज टू पॉइंट्स विल बी दी क्रिटिकल एलिमेंट्स. बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें यहाँ पर तो बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर हॉगिंग है. ठीक है बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर हॉगिंग के कारण है तो ऊपर क्या है ऊपर टेंसाइल नीचे क्या है कंप्रेशन. तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर टेंशन और नीचे कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा. सो दैट दिस कंसेप्ट is very important for some problems, ठीक है like which is involving the pulleys and there is tension difference in both the sides. Now यहाँ पर आप देख पाओगे अगर आप लोग इस problem को देखो तो एक normal problem जो हम लोग previously discuss किए हैं बिल्कुल वैसा ही है. Just आप लोगों को twisting moment और bending moment निकालने का idea होना चाहिए. ये इस problem वैसा ही है जैसा कि point load एक eccentric point load के लिए हम लोगों ने discuss किया था. Everything is same. Just आपको ये formula पता होना चाहिए कि torque कैसे निकलेगा और bending moment आपका कैसे निकलेगा. So bending moment हम लोग कभी भी maximum bending moment कहाँ पर आ रहा है देख रहे थे हम लोग जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो कहाँ पर आ रहा है वो देख रहे होते हैं. और ये भी चेक करना होता है कि आपका क्रिटिकल एलिमेंट कौन सा होगा. तो जैसे मैंने टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाया तो मुझे पता चल गया कि बेस तक तो टॉर्क सेम है तो कहीं भी सेक्शन लूँ हर जगह जो टॉर्शन शियर स्ट्रेस वो सेम मिलना है चाहे मैं फ्री एंड के पास लूँ चाहे मैं उससे दूर लूँ चाहे पर एकदम फिक्स एंड के जस्ट पहले तक लूँ है ना. लेकिन बेंडिंग की बात करें तो बेंडिंग जो है जीरो है मैंने बीएमडी बना करके देख लिया यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो आ जाएगा यहाँ पर बेंडिंग और मैक्सिमम तो यहाँ पर टी टॉर्क भी आ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसी लोकेशन पर मुझे क्रिटिकल एलिमेंट मिलेगा. नाउ एज हम जानते हैं जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है दैट विल बी मैक्सिमम एट द सर्फेस टॉप मोस्ट सर्फेस या फिर आउटर मोस्ट सर्फेस. सिमिलरली द बेंडिंग स्ट्रेस विल ऑल्सो बी मैक्सिमम एट द आउटर मोस्ट सर्फेस. सो दैट इज वाई हम लोग आउटर मोस्ट सर्फेसेस पे दो एलिमेंट्स लेंगे दे विल बी द क्रिटिकल एलिमेंट. दिस इज वेरी वेरी इजी कंसेप्ट. ठीक है तो इस तरह से आप लोग जो पुलिस वगैरह के प्रॉब्लम है उसमें भी इस कंसेप्ट को जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो फॉर कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन. तो कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन जो है इट इज़ वेरी इजी टॉपिक. बस आप लोगों को थोड़ा सा एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर और किस तरह से जो स्ट्रेसेस है वो आ रहे होते हैं. ठीक है तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो है शेयर सेंटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो आगे लेक्चर में मैं शेयर सेंटर आपको बताऊंगा प्लस कुछ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ऑफ कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा. ठीक है तो आप लोग को मैंने जो एक दो चीज़ें बोली हैं जैसे कि मैंने आपको मोहर सर्कल बना करके दिखाने के लिए बोला है तो आप उस लोगों उसका सोल्यूशन कीजिए और उसको जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उसमें आप डालिए मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल इस चीज़ को डिस्कस करूँगा. तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर है ये काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा आपको जो स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस है प्योर शेयर वगैरह का या फिर कंबाइंड बेंडिंग वाला दैट इज बेंडिंग एंड टॉर्शन वाला जो आप लोगों को स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो आपको बनाना आया होगा और आपकी जो कुछ डाउट्स है वो रिजॉल्व होंगे. इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे बात कर सकते हैं मैं आप लोगों के डाउट जो है वो बिल्कुल सॉल्व करूंगा. ओके लव यू ऑल थैंक यू वेरी मच.